बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज हम तंदूरी चिकन बनाएंगे। हम आज जो तंदूरी चिकन है वो अवन में नहीं बनाएंगे, हम पैन में ही बनाएंगे। वैसे तो आप अवन में भी बना सकते हैं सेम मेरी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए, लेकिन मैं आपके साथ आज की जो रेसिपी है उसको पैन में बनाना शेयर कर रही हूँ ताकि हर किसी के लिए आसानी रहे। ये जो रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये बहुत ही ख़ास है, बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी है। इसका टेस्ट और इसका लुक बिल्कुल आपको रेस्टोरेंट स्टाइल का ही मिलेगा, बिल्कुल जैसे हम रेस्टोरेंट में खाते हैं इसका टेस्ट आपको वैसा ही मिलेगा इंशाल्लाह ताला। तो चलिए आइए इस रेस्टोरेंट स्टाइल तंदूरी चिकन को बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और साथ में जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से आप तक पहुंचे। यहाँ पर मैंने चिकन लिया है, ये थाई एंड लेग्स के पीसीज हैं, तो इसको सबसे पहले इनको हम कट्स लगा लेते हैं। कट्स का लगाना चिकन को बहुत ज़रूरी है, इसके साथ जो फ्लेवर है वो अंदर तक चिकन के जाता है। दोनों साइडों पर ऐसे हमने कट्स लगा लेने हैं, थोड़े थोड़े डीप करके अंदर को कट्स लगाने हैं ताकि जब हम इसको इनको मसाला लगाएं मैरिनेट करें तो सारा मसाला जो है इनके कट्स में अंदर तक जाए। यहाँ पर आप देखें ऐसे पांच छह हमने यानी कि एक साइड पर लगाने हैं कट्स और दूसरी साइड पर भी हमने ऐसे ही लगाने हैं, यहाँ जोड़ के अंदर भी एक हम कट्स ऐसे लगा लेंगे। यहाँ पर हमने चिकन को कट्स लगा लिए हैं, अब हम इसकी फर्स्ट मैरिनेशन तैयार करेंगे। जब भी तंदूरी चिकन बनाना है तो उसको हमें दो मैरिनेशन रिक्वायर्ड होंगी, फर्स्ट मैरिनेशन और फिर सेकंड मैरिनेशन। तो सबसे पहले हम इसकी फर्स्ट मैरिनेशन तैयार करते हैं। यहाँ पर हमने एक बाउल ले लिया है और 1 टीस्पून हम चिली पाउडर लेंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी का, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, पिसा हुआ जिंजर है मेरे पास 1/2 टीस्पून, गार्लिक 1/2 टीस्पून। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1/2 मेरे पास लेमन है, हमने एक लेमन लिया है उसमें से पहले। अभी मैं फर्स्ट मैरिनेशन के लिए 1/2 ले रही हूँ, 1/2 हम लेंगे सेकंड मैरिनेशन के लिए। इसको हम ऐसे मिक्स कर लेंगे सारे, ऐसे हमने सब मसालों को मिक्स कर लेना है और सब चिकन के पीसेस को ऐसे हमने मैरिनेट कर लेना है। सारा मसाला जो है ना हमने कट्स के अंदर लगा लेना है अच्छे तरीके से। ऐसा करने से हमारा जो तंदूरी चिकन है ये बहुत ही अच्छा तैयार होता है और यकीन करें इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा आता है, बिल्कुल बाज़ार जैसा आता है। अगर हम एक ही मैरिनेशन रखेंगे तो इनके जो चिकन के जो कट्स हैं वो जो हैं वो ड्राई से रह जाते हैं, तो फ्लेवर जो होता है वो कट्स के अंदर नहीं जाता, अंदर से फिर हमें जो चिकन है वो ज़्यादा फ्लेवरफुल नहीं मिलता। अब यहाँ पर हमने चिकन को मैरिनेट कर लिया है, अब हम इसको रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए और हम दूसरी जो मैरिनेशन है इसकी चिकन की उसको तैयार कर लेते हैं। अब यहाँ पर फिर से हमने एक बाउल ले लिया है, इसके अंदर हम डालेंगे 3 टेबलस्पून योगर्ट, मेरे पास देखें थिक योगर्ट है, थिक योगर्ट बहुत ज़रूरी है तंदूरी चिकन के लिए। अगर आपके पास थिक योगर्ट नहीं है तो आप योगर्ट में से पानी को निकाल सकते हैं किसी छननी में डालकर या किसी कपड़े मलमल के कपड़े के साथ। इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून ऑफ चिली पाउडर, पिसा हुआ गरम मसाला 1/2 टीस्पून, चाट मसाला 1/2 टीस्पून, गार्लिक और जिंजर पिसा हुआ 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून सॉल्ट,
सॉल्ट को हमने फर्स्ट मैरिनेशन में भी डाला था, इसलिए आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यह जो हमारा हाफ लेमन था इसको भी डालेंगे। हाफ टी स्पून कसूरी मेथी का को ऐसे हम अपने हाथों से ऐसे मसल कर डाल देंगे। धनिया पाउडर हमें चाहिए हाफ टी स्पून, और थोड़ा सा हम लेंगे रेड फूड कलर जो तंदूरी चिकन में डलता है। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये बहुत ही आसान रेसिपी है। जब भी हमारा दिल करता है कि हम तंदूरी चिकन को खाएं तो फिर हमें रेस्टोरेंट जाने की भी ज़रूरत नहीं होती। घर में ही हम घर के मसालों से हर चीज़ हमारे कबर्ड में होती हैं, बस उसके साथ ही हम ये चिकन तैयार कर लेते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनता है। अब हम इस मैरिनेशन को, ये जो हमने चिकन को रखा था मैरिनेट करके, ये जो पेस्ट हमने तैयार कर ली है मसाले की, अब ये हम इसके ऊपर लगा लेंगे। अब यहाँ पर हमारा चिकन जो है वो रेडी हो गया है मैरिनेशन के लिए रखने के लिए, तो अब हम इसको कवर कर लेंगे। मसाले हमने बहुत अच्छे तरीके से लगा लिए हैं। मैंने मसालों को हाथ के साथ अपने हाथों को यूज़ करते हुए लगाया है, आप चाहें तो आप ग्लव्स भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसको रख देंगे फ्रिज में 2 घंटे के लिए। यहाँ पर हमने एक पैन लिया है, फ्लेम को हम ऑन कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे 3 फुल टेबलस्पून ऑफ ऑयल। छोटा सा पीस हमने ऐसे बटर का लिया है, बटर के साथ तंदूरी चिकन का जो टेस्ट है ये बहुत ही अच्छा आएगा। अब हम इसके अंदर डाल देंगे ये जो हमने चिकन को मैरिनेट किया था। बिस्मिल्लाह, थोड़ा सा मसाला जो बच गया था ये भी हम ऊपर ऐसे लगा देंगे चिकन के ऊपर। फ्लेम को मैंने लो से मीडियम पर रखा हुआ है, अभी हम इसको ज़रा भी टच नहीं करेंगे। तकरीबन 4 मिनट तक इसी तरह हम पकने देंगे, फिर हम इसकी साइड को चेंज कर लेंगे। अब 4 मिनट हो गए थे हमें चिकन को पकाते हुए, आहिस्ता से पकड़ कर ऐसे हम इनकी साइड चेंज कर देंगे। अब हम इसी तरह इसके ऊपर लिड नहीं देंगे, इसी तरह हम 4-5 मिनट और पकाएंगे इस साइड से भी। अब हमने फ्लेम को लो कर लिया है, स्टार्टिंग में हमने इसलिए हाई किया था कि ये जो चिकन है ना इसका अगर हम लो पर हम करते हैं तो फिर ये होता है कि सारा जो जूस है ना वो चिकन का रिलीज़ हो जाता है और मसाला भी सारा जो है वो बिखर जाता है। अगर हम ज़रा हाई पर रखते हैं तो सारा जूस जो मसाला है वो अंदर ही चिकन के अंदर ही पकता है और सारा जो फ्लेवर है वो अंदर ही रहता है। अब हमने ऐसे करके थोड़ा थोड़ा करके ऐसे आहिस्ता आहिस्ता से हला लेना है। अब हम इस पॉइंट पर ढक देंगे इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए, ताकि अच्छे तरीके से स्टीम के साथ अंदर तक हमारा जो चिकन है वो गल जाए। चेक करते हैं, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा जो चिकन है वो बन रहा है। मैंने फिर से एक दफ़ा साइड को चेंज कर दिया है,
यहाँ पर मैंने एक किचन फॉइल ली है, कोयले को मैंने दहका लिया है। मैं ये कोयले को इस तरह फॉइल के अंदर रख लेंगे। आप छोटी सी कोई प्लेट भी ले सकते हैं। और थोड़ा सा यहाँ पर मैं बटर ले रही हूँ और ये कोयले के ऊपर डाल रही हूँ ताकि धुआँ जो है वो कोयले से स्टार्ट हो जाए। अब मैं फिर से लिड को बंद कर दूँगी। फ्लेम हमारी ऑन ही है, फ्लेम अभी ये हमारा चिकन है वो गला नहीं है फुली, लेकिन हम कोयले का धुआँ इसको इसी पॉइंट पर दे रहे हैं। अब हम फिर से ढक्कन को हिलाएंगे और जो हमने कोयले को रखा था उसका बहुत अच्छे तरीके से हमारे चिकन को फ्लेवर आ गया है, स्मोक आ गया है। अब हम इसको हटा देंगे। अब माशाल्लाह बिल्कुल चिकन की लुक और जो इसका जो खुशबू है वो बिल्कुल तंदूरी चिकन जैसी हो गई है। अब इस पॉइंट पर मैं फ्लेम को ऑफ कर लेती हूँ और मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह अब हमारा तंदूरी चिकन बनके तैयार है, बहुत ही अच्छा बनके तैयार हुआ है। यकीन माने इसकी खुशबू और इसका लुक, हो सकता है कि हमारा जो कैमरा है वो इसकी जस्टिस ना कर सके, इतना ही ये ओरिजिनल लुक में आया है। मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी ये मेरी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर करें मेरी इस रेसिपी को फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला मेरी एक बहुत ही अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।